हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इन द नेटवर्क शोन इन। तो देखो, ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ए और बी से बैटरी जोड़ लीजिए आप, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी लेट कर लो। ये लो पोटेंशियल पर है इसीलिए इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लो, और इसका ये हाई पोटेंशियल पर है इसका वी कंसिडर कर लो। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन, वी वी और जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस वी। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट कर लो कि एक्स वोल्ट है, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट का 0 वोल्ट हो गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 4 x - 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है x - 0, और इसके अक्रॉस भी x - 0। और ऐसे इसके देखें तो इसका पोटेंशियल वी है, तो इसका भी पोटेंशियल वी होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v - x, इसके भी अक्रॉस v - x। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है v - x। ऐसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, x - 0 x - 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स और एक्स, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पहले इन दोनों को पैरेलल में कर लो, तो आर डैश लिखें, तो पैरेलल में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, R1 R2। दो के लिए होता है, तीन के लिए नहीं होता है ये, ठीक है। ये इसी से कराए कि 1/R' = ऐसे लिखते हैं ना, 1/R1 + 1/R2, इसी को सॉल्व करते तो ये आ जाता है, लेकिन ये दो के लिए वैलिड होता है, तीन के लिए वैलिड नहीं होता। तीन के लिए ऐसे करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। चलिए करें, तो R' = 2 × 2, और इन दोनों को ऐड करें तो 4, और 4 से 4 कट गया कितनी बार, 1। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया आपका 1, आप ऐसे लिख सकते हो। और ये दो पॉइंट हैं, इसका पोटेंशियल वी है और इसका एक्स है, इसका हो गया 1 ओम। और ऐसे ये दोनों पैरेलल में हैं, तो R" = 4 × 4/4 और 4 8 हो गया, 4 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो 2। तो ये एक्स और 0 के बिटवीन लग रहा है, इसका पोटेंशियल 0 है, और ये आपका 2 ओम हो गया। तो देखो, ये कनेक्ट था वी और एक्स के बिटवीन, और ये दोनों कनेक्टेड थे एक्स और 0। अब बैटरी यहाँ लगी हुई है आपकी ऐसे, अब यहाँ से चलेंगे तो करंट सेम है आपकी, और करंट सेम है और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में होगा, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका, सीरीज में है तो 1 + 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका 3 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, इसका आंसर हो गया। अभी ओरल हो जाता है वैसे, ये पढ़ते रहिए और खुश रहिए।